नाचिए पाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। तो दोस्तों, आपने जो स्टेटस देखा है, जो अभी देख रहे हैं, अगर आप भी कुछ इस प्रकार से स्टेटस बनाना चाहते हो तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे बहुत ही इजी और बहुत ही आसान स्टेप में बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले इस टाइप का स्टेटस बनाने के लिए आपको एक ऐप का ज़रूरत पड़ेगा, जिसका नाम है अलर्ट मोशन, जो कि आपका प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर इसका मूड वर्जन चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कर देना, एंड गाइस, जो जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इस तरह कमाल की वीडियो सीखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे जाओगे तो आपको ऑल मटेरियल के बॉक्स में एक लिंक मिलेगा सॉन्ग बीट मार्क, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट ही अलर्ट मोशन में इनपुट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो उस पर इनपुट पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ही अलर्ट मोशन में इनपुट कर देगा। करने के बाद क्या करना है, अलर्ट मोशन को ऐप को ओपन करना। ओपन जैसे करोगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से क्या करना है, नीचे में जो एक प्रोजेक्ट का फाइल दिख रहा है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट फाइल पर क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट ही ऊपर में जो इनपुट हुआ रहेगा तो ऊपर में ही ऐसा शो दे देगा सॉन्ग बीट मार्क। इस पर क्या करना है, सॉन्ग बीट मार्क जो है इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करोगे, इसमें देखो मैं सारे जगह इस पर इफेक्ट में लगा दिया हूँ। इसमें देख सकते हो मैं सारे जगह इफेक्ट लगा दिया हूँ। सिर्फ इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ फ़ोटो इसमें लगाना है। तो फोटो कैसे लगाना है मैं दिखा देता हूँ किस हिसाब से फ़ोटो लगाना है। तो फर्स्ट में आ जाना है। आने के बाद क्या करना है, इस प्लस आइकन जो दिख रहा है यहाँ पर इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करोगे इतना ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। इसमें से क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर में ही मीडिया ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करना। मीडिया पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा गैलरी। जिसमें से क्या करना है, अपना हिसाब से जो फ़ोटो आपको लेना है वो फ़ोटो क्या करना है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ। लेने के बाद क्या करना है, ये थ्री डॉट जो ऊपर में दिख रहा है यहाँ पर इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो और ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे फिल कम्युनिकेशन एरिया, इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो होने के बाद क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा और क्या करना है, इसको बड़ा कर लेना है फ़ोटो को पकड़ करके। बड़ा करने के बाद क्या करना है, इसको फ़ोटो को अपना हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। इस जगह पर एडजस्ट करने के बाद क्या करना है, इसको क्या करना है, पूरा फुल पहले कर लेना जितना देर का स्टेटस है, टोन है, इतना देर इसको कर लेना। इस पकड़ के ऐसे बढ़ा लेना, इसको बढ़ा के इतना देर बना लिया हूँ। बनाने के बाद क्या करना है, फर्स्ट में आ जाना। आने के बाद फ़ोटो पे क्लिक कर देना। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफ़र जो लिखा है, यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफ़र जो है इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्लस आइकन जो है इस पर क्लिक कर देना। एक बार करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा इतना आगे आ जाना। आने के बाद क्या करना है, इसको क्या करना है, लेफ्ट साइड में इसको लेफ्ट साइड में क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे करना है। जैसे मैं करता हूँ वैसे आप देखते रहना, रेड कलर का जो लाइनिंग है ये रहना चाहिए आप में, आप ध्यान से देखते रहना। इस हिसाब से आप क्या करना है, इसको आगे इतना कर लेना। करने के बाद क्या करना है, इसको पूरा अंतिम में आ जाना है। आने के बाद क्या करना है, अंतिम में आने के बाद इसको क्या करना है, इसको राइट साइड में आप इसको स्क्रॉल करना है। तो राइट साइड में स्क्रॉल कर लेता हूँ। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी कर लेना। तो देखो मैं राइट साइड में इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, इतना स्क्रॉल कर लिया। करने के बाद क्या करना है, ये जो है इसका स्क्रॉल लेफ्ट और राइट जो है ये हो गया है। तो होने के बाद क्या करना है, फोटो से साइड में जो है फ़ोटो यहाँ पे है, हम यहाँ पे जहाँ पे मैं ये तीर का एरो दिया हूँ यहाँ पे इसको क्लिक करना। इस जगह पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, इसको नीचे ला लेना। नीचे लाने के बाद क्या करना है, एक ग्रुप वन का जो एक है इफेक्ट इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा, तो इसमें से क्या करना है, ब्लेंडिंग ऑपेसिटी जो है इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर लाइटर जो है इस पर क्लिक करना।
इस पर क्लिक करने के बाद ये आगे में जो लेटर है इस पर क्लिक कर दें, इसमें इफेक्ट आ जाएगा। तो आने के बाद क्या करना है, देखो फोटो पूरा ओके हो गया है, बन गया है वीडियो। तो मैं ये प्ले करके एक बार स्टेटस दिखा देता हूँ किस प्रकार से स्टेटस बना है। तो एक बार मैं प्ले कर देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के सेव करने के लिए ऊपर में जो तीर का एरो दिखता है इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो वीडियो पे सिलेक्ट ही है, इसको क्या करना है एक्सपोर्ट पे इस पर क्लिक करना है। ये वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।